नहीं, दोनों मकरू राशि का जो चिन्ह है, अगर अच्छा से बहुत अच्छा से मार्क करोगे देखोगे, एक ठो मेंढा का सर है जहां से सींग निकला हुआ है, नीचे मगरमच्छ का पूंछ लगा है पीछे, दोनों पैर को उल्टा करके ऐसे बैठा है, मतलब समझते हो का जी का समझते हो? अबे मकरू राशि मतलब दोधारी तलवार, इधर भी काटेगा इधर भी काटेगा, समझ में आ रहा है? ये साला काटेगा ही काटेगा, तुम इधर से घुमाओगे तो भी कटेगा, इधर से घुमाओगे तो भी कटेगा, इसीलिए 12 राशि में से सबसे खतरनाक राशि को मकरू कहा गया, और इसीलिए बोला जाता है मकरू कभी हारता नहीं, मरेगा लेकिन हारेगा नहीं, मरने के लिए तैयार है मकरू, हारने के लिए तैयार नहीं। और नैसर्गिक रूप में तुम मकरू बालों का किसी भी कोर्ट कचहरी केस माली मकदमा में जाके खड़ा हो जाओ, अगर सर्वाधिक पाप नहीं किया है तो 90% केस तो उसी के फेवर में जाता है, लेट होता है लेकिन फेवरेबल इसी का, इसी को हरा नहीं सकता कोई। और इसीलिए कहते हैं कि मकरू के साथ दुश्मनी बहुत भारी पड़ता है, 1 मिनट के लिए ना तो बिच्छू से दुश्मनी करके बच सकते हो, मतलब वृश्चिक राशि बच सकते हो, केकड़ा से बच सकते हो, लेकिन बाबू ये मकरू से नहीं बच सकते, नेचुरल एनर्जी तुम्हें मार देता है, मकरू का नेचुरल एनर्जी तुम्हें मार देता है, चाहे किसी भी कंडीशन का मकरू हो, 1 मकरू हो, 8 मकरू हो, 6 मकरू हो, द्वादश मकरू हो, कैसा भी मकरू हो, वो तुम्हें मार ही देगा, अल्टरनेटली तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे एक और लाइन में आ गया, अरे देख कल्लू कलन कली आ गया लाइन में, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो बेटा ऐसा है कि तुम जिस फील्ड में खड़ा है उस फील्ड को बहुत अच्छा से समझना, और अवॉइड करो सर्कमस्टांसेस को। दूसरा ये है कि डिसीजन लेना, तीसरा कि कुंडली से ये निकाल लो कि किसे किसे मुझे अवॉइड करना है, कौन सा जगह को अवॉइड करना है। चौथा है जो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है उस अपॉर्चुनिटीज का कुंडली निकालो। पांचवा है कि जो अपॉर्चुनिटी आया है मुझे ले डूबने के लिए आया है या कुछ देने के लिए आया है, मुझे ना मान सम्मान रिवॉर्ड अवार्ड बोनस देगा या मान मान हानि प्राण पीड़ा धन हानि मान धन हानि प्राण पीड़ा मान हानि कराएगा। तो ये ढूंढना निकालना फाइनल करना और उसके बाद निर्णय लेना। निर्णय लेने में लेट करो, हड़बड़ी मत करो, निर्णय लेने में लेट करो, हड़बड़ी मत करो। और कोई भी निर्णय लेना है तो वो निर्णय को कंक्रीटली उतारो आगे। ग्रह दशा कह रहे हैं तुम्हारा, तुम्हारी कुंडली का ग्रह दशा और आकाश का ग्रह दशा दोनों मैच कर रहा है कि या तो 100% दो या तो तुम भाग जाओ, छोड़ दो, हाथ दोनों उठा दो, अस्त्र फेंक दो, सरेंडर कर लो, समझ में रहे? हाँ यही है। और कोई क्वेश्चन बोलो।